अस्सलाम वालेकुम, खबर की दुनिया से मैं हूं रहमान असर और वक्त हो गया है हेडलाइंस का। वर्ल्ड टी20 में वेस्टइंडीज के हाथों इबरतनाक शिकस्त, मोहम्मद हफीज ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, वनडे और टेस्ट की नायब कप्तानी भी छोड़ने का ऐलान। तालिबान ने जंगबंदी में 10 रोज की तौसी कर दी, तालिबान कैदियों की रिहाई के बाद पेशरफ्त हुई। कि जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। चौधरी निसार ने मुखालिफीन को जेर करने के लिए शेर व शायरी का सहारा ले लिया, इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह गए। परवेज मुशर्रफ ने अपनी वालिदा को अल्लाह के सपुर्द कर दिया, आवाम सेहतियाबी के लिए दुआ करें, अहमद रजा कसूरी की अपील। घर गिराने पर कराची के चकरा गोट में एहतजाज, मुल्तान में क्लर्क सड़कों पर, गुजरांवाला में बदमनी के खिलाफ मजदूरों ने सड़क बंद कर दी, महंगाई के सताए शहरियों का भी मुजाहरा। कोयटा में बच्चियां गंदे नालों के किनारे तालीम हासिल करने पर मजबूर, फंड्स ना होने से 2000 स्कूलों की तामीर रुक गई, ऐवान में गौर की बजाय साहिबाने इक्तदार की खुश गपियां। मीरपुर खास में तालिब इल्मों की जगह पर्चा हल करने वाले 3 उस्ताद गिरफ्तार, लाड़काना में वजीर तालीम निसार खोड़ो ने खुद 2 तालिब इल्मों को नकल करते पकड़ लिया। पीएफ एकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड, जनरल राशिद महमूद का कहना है कि बहुत सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, फिजाइया को चौकस रहने की जरूरत है। अब सिर्फ धुन से काम नहीं बनेगा, तमाम सरकारी तकरीबात में कौमी तराना बुलंद आवाज में पढ़ना लाजिम करार दे दिया गया। तराई के खत्ते के शायर शाकिर शुजा आबादी हुकूमती सरपरस्ती से महरूम, मुफलिसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर, खसूसी रिपोर्ट सिर्फ दुनिया न्यूज पर। और वर्ल्ड टी20 के पहले सेमीफाइनल में श्रीलंका और वेस्टइंडीज 1 घंटे बाद आमने सामने।